नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फ्री लीगल एडवाइस में स्वागत करता हूं। मैं अशोक पांडे, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, लीगल रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है कि लड़कियों को छेड़ने में आपको भारत के कानून के हिसाब से क्या सज़ा हो सकती है। तो अगर आप लड़कियों को छेड़ेंगे तो आपको क्या सज़ा मिल सकती है, यही आज हमारा टॉपिक है। और भारत के कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया कैसा यूनिफॉर्म लॉ केवल और केवल इस टॉपिक को लेकर के लड़कियों को छेड़ने से संबंधित नहीं बना हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ लेकिन हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने जीवन में देखते रहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो पूजा करने के स्थान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इसके साथ ही बस स्टैंड हो, स्टेशंस, रेलवे, सिनेमास, थिएटर, पार्क्स, फेस्टिवल्स या कि कुछ और भी जगह पे हम लोग लगातार इस तरह की घटनाएं देख सकते हैं जहां पे लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं आती हैं। न्यूज़ चैनल, टीवीज़ में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि भारत के कानून के हिसाब से क्या सज़ा मिल सकती है और भारत का कानून क्या कहता है एव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने के लिए, तो उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये होता क्या है इसको जानना ज़रूरी है। लड़कियों का एक तरीके से हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट दोनों ही तरीके से है, चाहे वो फिजिकल हैरेसमेंट हो या मेंटल हैरेसमेंट हो, हैरेसमेंट तो होता है। और ये लड़कों की तरफ से होता है, ये लड़कों के ग्रुप की तरफ से होता है। कई बार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं जहां पे गर्ल हैरेस्ट हो जाती है मेंटली या फिजिकली, वहां पे कई अटेम्प्ट सुसाइड के भी आपको देखने के मिलते हैं, या कि सीरियस इंजरीज वो अपने को अपने आपको हार्म कॉज करती है। सीरियस हार्म कॉज करने की वजह से कई बार उसका एक लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट उसके दिमाग में बन जाता है, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकती है, उसको और भी कई तरीकों का परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है, क्योंकि जो लड़कियां लड़कों के द्वारा छेड़ी गई हैं उनके ये मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है, जैसा कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 भारत का गारंटी देता है। इसके साथ ही साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ईव टीसिंग है, इस ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होते हुए भी भारत का जो कानून है, जो क्रिमिनल लॉ को डील करता है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 294, सेक्शन 354 और सेक्शन 509 के हिसाब से अगर बात हम लोग करें तो पनिशमेंट है, और ये पनिशबल ऑफेंस है। ईव टीजिंग इट मीन्स लड़कियों को छेड़ना एक पनिशबल ऑफेंस है भारत के कानून के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से। दोस्तों, अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट आ सकता है विमेन का, या कि वर्बली बोल करके या संकेतों के द्वारा, इशारे के द्वारा कुछ गलत गेस्चर्स दिखाए जाएं, उनको इशारे गंदे किए जाएं या कुछ गंदे कमेंट्स पास किए जाएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की भी बात करेंगे, जो कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सारे लॉ स्टूडेंट जानते हैं इस जजमेंट के बारे में, इसके साथ ही साथ लॉयर्स जानते हैं कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जजमेंट है जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्किंग प्लेस को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइड गाइडलाइन इशू की थी, जहां पर ये भी निर्धारित किया गया कि गंदे तरीके के जो जोक्स होते हैं, वल्गर एक्टिविटीज होती हैं, गंदे इशारे करने होते हैं, या कि सेक्सुअल रिमार्क्स होते हैं, कमेंट होते हैं, इन सारी चीजों को प्रोहिबिटेड किया जाए वर्किंग प्लेस विमेन, जहां पे औरतें काम करती हैं, औरतों के लिए एक तरीके से प्रोहिबिशन लाया गया, एक वाइड गाइडलाइन निर्धारित की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। दोस्तों, भारत के कानून जैसा आईपीसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के बारे में अगर बात करें, भारत के कानून के हिसाब से ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने में क्या सजा हो सकती है, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो सेक्शन 294 आईपीसी, जो कि ऑफेंसिव एक्ट के बारे में बात करता है, अभद्रता के बारे में बात करता है, गंदे गाने या गालियों के बारे में बात करता है जो पब्लिक प्लेस पे दी जाएं। कोई भी लड़का गंदे गालियां या कि गंदे गाने गाता है, लड़कियों के सामने गाता है या अभद्रता करता है, तो उसको सेक्शन 294 के हिसाब से पनिशमेंट मिल सकता है। सेक्शन 294 आईपीसी का पनिशमेंट 3 महीने का होता है, और जिसमें फाइन भी आपको देना पड़ सकता है या दोनों ही आपको देने पड़ सकते हैं। सेक्शन 354 आईपीसी की बात करें तो ये मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन, इट मीन्स अपमानित करना, अगर विमेन को, औरतों को कोई अपमानित करता है, गंदे कमेंट पास करता है, अभद्रता के साथ में बात करता है, तो इसके साथ ही साथ उसको 1 साल का सजा, और साथ ही साथ ये जो सजा है वो 5 साल तक बढ़ सकती है, मतलब 1 साल से 5 साल तक की सजा मिल सकती है। इसके साथ ही साथ फाइन भी भरना पड़ सकता है या दोनों ही देने पड़ सकते हैं। अगर कोई
विमेन की मोडेस्टी को अपमानित करने के उद्देश्य से या कि उसको अपमानित करने के लिए इस आशय से कोई गंदे गाने गाता है, कमेंट पास करता है या कुछ वल्गर एक्टिविटीज़ करता है तो। दोस्तों सेक्शन 509 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गंदे गाने पब्लिक प्लेस पे गाए जाएँ, कुछ गंदे जो कि सुने जा सकें, गंदे गाने जो कि सुने जा सकें या ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ जो कि सुनी जा सकें, या कि ऐसे कुछ गेस्चर्स दिखाना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करना जो कि दिखाते हुए अभद्र लगे, जो कि देखा जाने में लड़कियों के द्वारा अगर वो देखा जा रहा है या किसी लड़की के लिए है अगर वो देखती है तो उसे गंदा लगे, इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी पनिशेबल ऑफेंस है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए डेफिनेटली 1 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकता है। दोस्तों सेक्शन 354 IPC के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एक अमेंडमेंट आया 2013 में और इस अमेंडमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा वीडियो इसमें बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C, सेक्शन 354D इसमें हम लोग इसमें बात करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, इसमें भी ऐसा ही कुछ है जैसा हम लोगों ने ऊपर के सेक्शंस में बताया। तो अगर फिजिकल कंडक्ट करता है या कि फिजिकल अब्यूज़ करता है, लड़कियों को गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता है या रिमार्क पास करता है या गंदी गालियां देता है, तो इसके लिए जो फाइन है वो 1 साल का सजा के साथ में फाइन हो सकता है सेक्शन 354A के हिसाब से। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से भारत के कानून के हिसाब से ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ने में सजा हो सकती है। अगर आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए, इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।